एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होगा इस पे एंड ये है एवियूथ नेचुरल्स का टैन रिमूवल पैक एंड दिस इज फॉर फेस एंड बॉडी एंड इसे मैंने होल किट में खरीदा है एंड किट यहाँ पे है इसका। इसमें 5 चीजें आई थी एंड जिसमें से ये एक था और इसके साथ ही साथ था एक नाइट क्रीम, एक सीरम, एक सन ब्लॉक एंड ऑल्सो एक स्क्रब। सो उन चारों का रिव्यू मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन सारे लिंक्स जितने भी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो फर्स्ट इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। बहुत ही क्यूट से पैकेजिंग में आता है, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, ट्यूब है एंड बिल्कुल फ्लिमजी ट्यूब नहीं है, ऐसा नहीं है कि फट जाएगा इस तरीके से करने पे एंड बहुत ही ज़्यादा लाइक यू नो लग्जूरियस टाइप का है क्योंकि इसका जो कैप है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग कलर है इसका, रोज गोल्ड कलर। सो इस तरीके का है, यहाँ पे लिखा हुआ है टैन रिमूवल पैक फॉर फेस एंड बॉडी। साइड में लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम आप यूज करते ही आपको फर्क दिख जाएगा। नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है चॉकलेट एंड चेरी का इसमें प्रॉपर्टीज है। उसके बाद लिखा है डिटॉक्सिफाई स्किन एंड हेल्प्स रिमूव टैन। तो आपकी स्किन की जितनी भी टॉक्सिन्स है ऊपर लेयर में वो आप इससे निकाल सकते हो एंड उससे अल्टीमेटली टैन निकल जाएगा। नाउ इसकी कॉस्ट की बात करते हैं। इसका कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज। सो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है ये एंड इसका जो क्वांटिटी आपको मिलता है दैट इज 50 ग्राम्स ऑफ क्वांटिटी। नाउ ये कोई आउटर कवरिंग के साथ नहीं आता है विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो पीछे इसके डायरेक्शन फॉर यूज दिया हुआ है कि आपको क्लीन फेस पे ही अप्लाई करना है एंड फेस एंड नेक पे आपको अप्लाई करना है, फॉर 15 मिनट्स आपको रखना है, उसके बाद आपको प्लेन वाटर से वॉश कर देना है। सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस प्रोडक्ट का कलर चेंज हो सकता है। सो इफ एट ऑल आपका प्रोडक्ट का कलर थोड़ा बहुत चेंज हो 1-2 मंथ्स के बाद, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट माइट चेंज। उसके बाद कॉशन में लिखा हुआ है कि अगर आप इसे लगा के रख रहे हो फॉर 15 मिनट्स एंड थोड़ा सा भी आपको लाइक यू नो टिंगलिंग सा सेंसेशन हो तो बिल्कुल लाइक यू नो घबराना नहीं। यहाँ पे लिखा है कि वाइल द पैक प्योरिफाइज योर स्किन इट मे कॉज अ टिंगलिंग सेंसेशन। सो ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल्सो इसको आपको यूज करना है 2-3 टाइम्स अ वीक एंड अगर आपके आंखों में चला जाए तो आपको यू नो पानी से धोना है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। नीचे लिखा है इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट। सो इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड कि इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको इंग्रेडिएंट पढ़ के खरीदना है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगी, लेकिन फोटो इंसर्ट कर दूंगी तो आप पॉज करके इसके इंग्रेडिएंट सारे पढ़ सकते हो। सो अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके का ओपनिंग है इसका, लाइक स्क्रू वाला बॉटल ये कैप था एंड यहाँ पे इसका ओपनिंग है। सो इस तरीके का ये प्रोडक्ट है एंड कॉफ़ी कलर का ये प्रोडक्ट है, नॉट एग्जैक्टली कॉफ़ी कलर का, थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का प्रोडक्ट है एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइक चॉकलेट टाइप का फ्रेग्रेंस है इसका एंड इसका जो स्क्रब साथ में दिया है उसका भी फ्रेग्रेंस इसी तरीके का है। सो आपको इसका थिन लेयर लगाना है आपके फेस में एंड विद इन 10-15 मिनट्स ये आराम से ड्राई हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ लेयर यू अप्लाइंग, बट आपको कोई ऐसे थिक लेयर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, थिन सा लेयर अप्लाई करोगे तो यू नो आपका काम हो जाएगा। सो इस तरीके का आपको लेयर लगाना है एंड उसके बाद 15 मिनट्स तक रखना है या फिर उतने देर तक रखना है जब तक ये ड्राई हो जाता है एंड उसके बाद आपको वॉश करना है। सो अब मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगी। सो सीरियसली ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसे मैं काफ़ी टाइम से भी यूज़ करती हूँ, लाइक 3 टाइम्स से तो मैंने अभी इससे ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है तो मुझे पता है मैं अच्छा खासा इसका रिव्यू दे सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा लेकिन आपकी स्किन को बिल्कुल स्ट्रिप नहीं करता। जिनका ड्राई स्किन है आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने क्या लगा दिया है वॉश करने के बाद कि आपका स्किन इतना ज़्यादा ड्राई हो रहा है, एज वेल एज जो ऑयली स्किन है उनको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है मेरे स्किन में, ऐसा कुछ नॉर्मल स्किन के लिए तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सो दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, तो आपको यू नो आपका जिस तरीके का भी स्किन टोन है आपको इसे लगाने के बाद इतना ज्यादा बिल्कुल इरिटेशन नहीं होगा। आई हैव ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, मुझे अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने इसे काफी बार यूज करके देख लिया, डेफिनेटली ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, अच्छा सा ग्लो लाता है। ऑल्सो अगर मेरा फेस डल है तो डेफिनेटली इसे ब्राइटन करता है एंड इसमें है लाइटनिंग प्रॉपर्टीज, सो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका
टैन तो डेफिनेटली निकल जाएगा. सो फॉर बेस्ट यूज मैं रेकमेंड करूंगी क्या इसका जो स्क्रब है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है. इसका जो स्क्रब आप उसे भी खरीद दीजिए, उसके साथ ही साथ आप इसे लगा सकते हो. लाइक स्क्रब लगाने के बाद आप इसे लगा सकते हो. सीरियसली इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है. That was all for this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना अगर आपकी कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट हो तो. एंड प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सब्सक्राइब आपको करना चाहिए बिकॉज आई अपलोड वीडियोज एवरी सिंगल डे. सो प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.